नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशु और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल मिस्टर आशु टेक पर। दोस्तों आज का ये वीडियो हम बना रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस वीडियो। जी हां, वाओ कॉन्ग्रेचुलेशंस वीडियो। और आज का कॉन्ग्रेचुलेशन जाता है दोस्तों आर्मी बॉय को। जी हां दोस्तों, इनका नाम मुझे नहीं पता है और ना ही मैंने इनसे पूछा है। तो आज का कॉन्ग्रेचुलेशन जाता है आर्मी बॉय को, इनको बैज मिल चुका है। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारी तरफ से आपको बहुत सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, आप देख रहे हो, जी हाँ आपको बोल रहा हूँ, यस यू, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका नंबर भी आ सकता है अगली बार, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बेस्ट क्रिएटर बनाने का ही काम करता हूँ, आपको बेस्ट दिलाने के लिए आपको यहाँ पर बैठा हूँ। रात के 2:30 बज रहे हैं इस टाइम, रात के 2:30 बज रहे हैं और आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आप लोगों से, आप लोग कर सकते हैं, यू कैन डू इट, आप बैच ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और मैं इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आर्मी बॉय को हमने किस तरीके से बैच दिलाया और कैसे उनको बैच मिला, क्या उनकी प्रोफाइल में गलती थी, कैसे हमने उनकी प्रोफाइल का रिव्यू करवाया और कितने दिनों बाद उनको बैच मिल गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये सारा क्लियर कर देंगे और क्या कमी थी उनकी प्रोफाइल में वो आपको पता चल जाएगी, और वो कमी आप भी कर रहे हैं तो आप उसको सुधारिए और सुधारने के बाद काम कीजिए, आपको बैच डेफिनेटली मिलेगा। नहीं मिलेगा तो आपका भाई यहाँ पर बैठा है, आपको दिल से सपोर्ट करता है और हमेशा करता रहेगा। तो आपको आगे बढ़ने से पहले आप छोटा सा काम करना है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी जब आप घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और बताते हैं कि आर्मी बॉय को आज बैज कैसे मिला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आर्मी बॉय दोस्तों, इन्होंने कोई ऐसी वीडियो देख के हमें मैसेज किया था, जैसे कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग देख रहे हैं, और आप लोग में से कोई ऐसे होंगे जो मुझे आज मैसेज करेंगे कि भाई हमको बैच चाहिए, हमारी प्रोफाइल का रिव्यू करो, हमारी हेल्प करो, हम आपकी हेल्प करेंगे, जैसे कि हमने इनका किया। तो इन्होंने हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि कोई दिक्कत आती है तो हमें मैसेज करें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो इन्होंने जब मैसेज किया दोस्तों, इन्होंने मुझे बताया कि हमें बैच नहीं मिल रहा है और हमको बैच चाहिए। तो दोस्तों हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम तो बैठे इसी काम के लिए, हमने इनसे इनकी प्रोफाइल का लिंक मांगा और लिंक मांगने के बाद दोस्तों हमने इनकी प्रोफाइल का रिव्यू करवाया। रिव्यू के बाद दोस्तों जो हमारी डिटेल मिली है, और डिटेल मिलने के बाद दोस्तों हमें जो इनकी डिटेल मिली है बहुत ही ज्यादा हैरान वाली थी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चार मिस्टेक कर रहे थे और चारों बहुत बड़ी गलती थी जिनकी वजह से इनको बैच नहीं मिल रहा था। तो दोस्तों वो गलती क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। पहली गलती दोस्तों क्वालिटी डाउन, क्वालिटी में इंप्रूव कर देना, मतलब क्वालिटी इनकी डाउन थी, हमने बोला इंप्रूव करो अपनी क्वालिटी को। डाउन क्वालिटी से क्या पता चलता है, डाउन क्वालिटी से मतलब ये पता चलता है कि आप कितने ओरिजिनल हैं। अगर आप डाउन क्वालिटी के पोस्ट करते हैं, ब्लर पोस्ट करते हैं, खराब पोस्ट करते हैं, तो आपको से जज कर लेता है कि आप कॉपी पोस्ट कर रहे हैं, कहीं से भी उठा के पोस्ट को डाल दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, चाहे आप उसको बना रहे हो कोई मतलब नहीं है। पोस्ट हाई क्वालिटी का आपका होना चाहिए, मतलब आप समझ लीजिए कि बैंक से आप एक करारा नोट ले गए और आपने एक खुशियल नोट ले रखा है, मतलब दोनों का एक ही है, इधर भी यही लिखा हुआ है, इधर भी यही लिखा हुआ है, मतलब दोनों का एक है, लेकिन फ्रेश कौन सा है, अगर हम ही आपको दिखाने लगे कौन सा लोगे भाई, खुशियल लोगे या ये लोगे, आप कड़क वाला पकड़ोगे, क्यों पकड़ोगे, क्वालिटी मस्त है, क्या मस्त है उसकी, क्वालिटी मस्त है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो ये आपका टॉपिक है, क्वालिटी में इंप्रूव कर देना। अगर आप डाउन क्वालिटी का पोस्ट कर रहे हैं तो आपको क्वालिटी अपनी बेस्ट बनानी है, ये बात ध्यान रखना। दूसरी तरफ बढ़ते हो दोस्तों स्टाइलिश नेम। दोस्तों स्टाइलिश नेम आपको शेयर चैट पे 100% में से 90% यूजर आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने 90% यूजर ने अपना नाम स्टाइलिश वर्ड में लिखा हुआ है, किसी ने कलरफुल किया हुआ, किसी ने चिड़िया बना रखी, किसी ने कुछ बना रखा है नाम का, कुछ समझ में नहीं आता क्या लिखते हैं, पता नहीं चलता। दोस्तों अगर आपके पास बैज मिल जाए तो उसके बाद आप अपना नाम स्टाइलिश वर्ड में रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपके पास बैज ही नहीं है तो आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नाम क्यों सिंपल वर्ड में नहीं रख रहे हो, कितनी बार समझाऊं, सिंपल वर्ड में अपना नाम रखो, जब तक बैज वेरिफिकेशन नहीं हो जाता, बैज वेरिफिकेशन हो जाएगा नाम रख दो, सिंपल, इतनी सी बात समझ में नहीं आती आप लोग को। अगर आपने अपना नाम स्टाइलिश वर्ड में रखा है और फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो पहले उसको नॉर्मल रखिए, क्योंकि शेयर चैट का एल्गोरिदम जो है सिस्टम है, और सिस्टम ये नहीं देखता है कि उसमें क्या है,
उसको सीधा सीधा चाहिए समझने के लिए, ठीक है। चलो टीम रिव्यू कर रही है तो एक बार को छोड़ देती है, चलो कोई बात नहीं, स्टाइलिश नेम रखा है, बट सिस्टम नहीं छोड़ेगा, उसको अच्छे से नाम समझाना चाहिए तभी वो उसको अप्रूवल करेगा, नहीं तो वहीं पे कट मार देगा, बात खत्म। तीसरे की तरफ चलते हैं दोस्तों। तीसरा क्या है, टैग अदर कैटेगरी में यूज कर रहे थे। टैग अदर कैटेगरी में यूज मतलब आप पोस्ट कर रहे हैं इमोशन का, एक उदाहरण बता रहा हूं, आप पोस्ट कर रहे हैं इमोशन का, ठीक है, और टैग आप उसमें लगा रहे हैं क्रिकेट के, कहां मैच करता है भाई, मैच कहां करता है ये सब आप बताइए। आप इमोशन के तो क्रिएटर हैं, आपको टैग चाहिए इमोशन का, और आप टैग उसमें, अब उसमें टैग लगा रहे हैं आप क्रिकेट के, तो भाई कहां से। आपको अगर गिलास में दे दिया जाए खाना और थाली में दे दिया जाए पानी, कैसे काम चलेगा, जबकि गिलास में आपको पानी मिलना चाहिए और खाना मिलना चाहिए आपको थाली में, तब तो जमेगा ना, ये आपको गिलास में खाना जम जाएगा और खाने में पानी नहीं, कैसे कुछ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, आपको अपनी ही कैटेगरी में अपने टैग लगाने, ठीक है, अपनी कैटेगरी के अपने टैग लगाने। क्लियर हो गया, आगे की तरफ चलते हैं। इनका जो लास्ट मिस्टेक था, मिक्स और कॉपी कॉन्टेंट। दोस्तों जब हमने इनकी प्रोफाइल का रिव्यू करवाया तो एक डिटेल इनकी ये भी थी कि जिसकी वजह से इनको बैज रिएक्शन हो रहा था, और बैज रिएक्शन दोस्तों इनका हो रहा था कॉपी और मिक्स कॉन्टेंट। मिक्स कॉन्टेंट मतलब आप कभी सब्जी मंडी में गए हो, बिल्कुल गए होंगे, अफकोर्स गए होंगे, आप जितने भी हैं सब गए होंगे। सब्जी मंडी में जाते हो तो आपको आलू, तोरी, लौकी, भिंडी, गाजर, टमाटर, हल्दी, मिर्ची, जीरा, लहसुन, टमाटर, अदरक सब चीज मिल जाती है, वो भी सब्जी मंडी। अब सब्जी मंडी में दोस्तों हर एक आदमी जाएगा, मिल जाएगा, आलू लू, टमाटर लू, भिंडी लू, गाजर लू, क्या आलू यार, घर जाऊंगा बीबी वैसे बोलेगी, ये सब चीजें ध्यान रहती है ना। तो आपको सब्जी मंडी नहीं बनानी है, आपको ऐसी जगह जाना है जहां पर सारा का सारा सेम चीज सेम रखा हो। आप मतलब जो आपकी टीम आएगी आपकी प्रोफाइल पे आएगी चेक करने के लिए कि हमें आपकी प्रोफाइल चेक करनी है, तो उनको मिलेगा सब्जी मंडी की तरह इमोशन कैटेगरी का और स्पोर्ट का, कॉमेडी का, सैड का, ये पता नहीं क्या क्या मिलेगा, तो उससे क्या फायदा, उस चीज से क्या फायदा, आपको बैज रिएक्शन वहीं पे कैंसिल। आपको सिर्फ एक कैटेगरी में साफ सुथरा कंटेंट बना के चलना है, ठीक है। और जितना कॉपी है, कॉपी पोस्ट मतलब दूसरे पोस्ट उठाए, दूसरे प्लेटफॉर्म से उठाए और अपने अपने पोस्ट में डाल दिए, वो हो गया कॉपी पोस्ट, वो सब आपको डिलीट करना है। जो आपका कॉपी और मिक्स कॉन्टेंट है और जो ब्लर क्वालिटी का कॉन्टेंट है वो आपको डिलीट कर देना है, और डिलीट करने के बाद दोस्तों अपना एक साफ सुथरा कॉन्टेंट एक क्वालिटी में लेके चलना है। और हमने इनको टाइम दिया दोस्तों 30 से 40 दिनों में आपको बैच मिल जाएगा। इन्होंने अच्छे से काम किया और इनको बैच मिल गया। इन्होंने हमको मैसेज किया और मैसेज करने के बाद दोस्तों इन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्हें बैच मिला। थैंक यू सो मच भैया, हमें बैच मिल गया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें सुन के अच्छा लगा, हमारी मेहनत कामयाब हुई, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं इसी काम के लिए ताकि आप लोग को क्रिएटर मिल सके। और दोस्तों अगर आपको इस बीच कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी सवाल आपके मन में होता है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करता। अगर कोई भी बंदा ऐसा बोल दे कि आसु ने हमें रिप्लाई नहीं दिया तो आज ही यूट्यूब छोड़ दूंगा, आज ही यूट्यूब छोड़ दूंगा अगर कोई बंदा ऐसे बोल दे तो। आपके हर एक मैसेज का रिप्लाई दे दूंगा, हर एक मैसेज का। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा लेट रिप्लाई आए क्योंकि बहुत सारे लोगों का जवाब देना होता है, तो आप बिल्कुल भी घबराएं मत, मैं आपके पूरे तरीके साथ हूं, आपको बैच दिलाऊंगा, हर एक कंडीशन में आपको बैच दिलाऊंगा। तो आज ही जुड़ जाइए चैनल के साथ और आपको बैच दिलाना मेरा काम है। तो दोस्तों अगर कोई वीडियो में दिक्कत आती है तो पूछिए, और तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूँ फिर किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।